कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आंदोलन करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम संघर्ष करके, हम आंदोलन करके सरकार से मांगे मनवाएंगे, कानून वापस करवाएंगे। और इसका अगर सरकार अड़ेगी तो परिणाम होगा सरकार टूटेगी, मोदी जाएगा। सरकार पागल हो चुकी है जी। सरकार क्या बोलती है जी, उसको पता नहीं है जी। सरकार को ये नहीं पता है जी, कि वो हमारा सरकार जो है जी, वो हमारा नौकर है जी। सरकार जी, हमारा नौकर है जी। वो हमसे वेतन लेता है जी, हमसे भत्ता लेता है जी, वह पेंशन लेता है जी। तो वो हमारा नौकर है जी। एक कहावत है जी, रखने के लिए दिया बंदूक तो बन गया हवलदार। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ कहां से आए हुए हैं, हम जानेंगे आपसे। मेरा नाम विजय कांत झा है जी। मैं बिहार प्रांत के जी, मधुबनी जिले से जी, इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आया हूं जी। और मैं शुरू के दिनों से ही, आज 18वां दिन है जी, मैं इस निरंकारी मैदान में जी, दिल्ली के निरंकारी मैदान में बैठ के सहयोग। आप सीनियर सिटीजन भी हैं, उम्र दराज भी हैं, तो आपको नहीं लगता घर में नाती पोतों के साथ, बच्चों के साथ होना चाहिए आपको? देखिए, हम, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। अगर हम घर में बैठ जाएंगे जी, तो हमारे बच्चे सीखेंगे नहीं कुछ जी। तो हमें बच्चों को सही रास्ता जी, दिखाने के लिए जी, कुछ न कुछ करते रहना है जब तक हम जिंदा है जी। और सबसे बड़ा सही रास्ता है कि अपनी हक के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए जी, और तुम्हें लड़ना चाहिए जी, लड़े जी। इसीलिए मैं सीनियर सिटीजन्स होते हुए भी जी, अपने आप को सीनियर सिटीजन्स नहीं मानते हुए इस मैदान में। सरकार बोल रही है कि आपको भ्रमित करके लाया गया है यहाँ पर और पार्टियों के सहयोग से आप लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए, सरकार पागल हो चुकी है जी। सरकार पागल हो चुकी है जी। सरकार क्या बोलती है जी, उसको पता नहीं है जी। सरकार को ये नहीं पता है जी, कि वो हमारा सरकार जो है जी, वो हमारा नौकर है जी। सरकार जी, हमारा नौकर है जी। वो हमसे वेतन लेता है जी, हमसे भत्ता लेता है जी, वह पेंशन लेता है जी। तो वो हमारा नौकर है जी। एक कहावत है जी, रखने के लिए दिया बंदूक तो बन गया हवलदार। अच्छा, हमारे यहाँ एक कथा है जी, कहावत है जी, कि रखने के लिए दिया बंदूक तो बन गया हवलदार जी। हमने तुमको अपनी सेवा के लिए रखा जी। हमने सरकार बनाई अपनी सुरक्षा के लिए जी। हमने सरकार बनाई अराजकता खत्म करे इसका दायित्व तो देने के लिए। हमने सरकार बनाई कि हमारा हर तरह से विकास हो, हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे नौकरी करें, रोजी उनको मिले, वो बढ़िया एक नागरिक के रूप में हो, जिससे विश्व में भारत का नाम आगे बढ़े। हमने इसलिए सरकार को बनाया। लेकिन यह सरकार पागल सरकार, बेईमान सरकार, भ्रष्ट सरकार, अपने दायित्वों को भूलकर हमें कुचलने पर तुली हुई है। और तरह तरह का अभियोग, जब हम अपनी हक के लिए लड़ते हैं, हम अपनी मांग को उठाते हैं, तो हमको खालिस्तानी कहा जाता है जी। हमको कहा जाता है कि आप कनाडा का दलाल हैं, हमको कहा जाता है आप इंग्लैंड का आदमी हैं, हमको कहा जाता है कि विदेशी पैसे खा करके आप देश का नुकसान कर रहे हैं जी। तो ये इस तरह से अनेक तरह का हम पर मिथ्या दोष मर रहा है जी। यह सरकार मिथ्या दोष बढ़ रहा है, लेकिन हम न डरने वाले हैं, न भागने वाले हैं। हम अपनी हक की लड़ाई लड़के लेंगे। मोदी का ताकत नहीं है, सरकार की ताकत नहीं है हमको झुकाएगी, सरकार का ताकत नहीं है
हमको रुलाएगी, सरकार का ताकत नहीं है हमको भगाएगी। क्यों नहीं भगाएगी, उनके पास तो सारा तंत्र है, उनके पास सारी ताकतें हैं, सेना उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, फिर आप क्यों नहीं खाली करेंगे जब आपकी सारी मांगे मान भी रही है सरकारें। सरकार के पास में जो सेना है वह हमारा बेटा है, वह हमारा पोता है, वह हमारा भाई है। वह नौकरी करने के लिए, रोजी के लिए, देश रक्षा के लिए फौज में गया है। लेकिन जिस रोज आप दारू पिला के हमको तुम पिटवाते हो हमारे बच्चे से, जिस रोज उसके समझ में आ जाएगा कि हमारे ही हाथों हमारे बाप पर लाठी चलवाता है, उस दिन सरकार कहाँ रहेगी, सरकार कहाँ जाएगी, सरकार का क्या गत होगा। मोदी जी को जान लेना चाहिए और अच्छी तरह जान लेना चाहिए। आज न कल, कल न परसों, जितना इसका अत्याचार बढ़ेगा उतना हमारे फौजी, हमारे सिपाही, हमारे कर्मचारी, हमारे देश नहीं मानी जाएंगी। तो आगामी क्या योजना रहेगी आपकी? हमारी योजना जो शुरू से रही है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आंदोलन करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम संघर्ष करके, हम आंदोलन करके सरकार से मांगे मनवाएंगे, कानून वापस करवाएंगे। और इसका अगर सरकार अड़ेगी तो परिणाम होगा सरकार टूटेगी, सरकार टूटेगी मोदी जाएगा, मोदी जाएगा। मोदी तो कहीं ज्यादा ताकत से आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जाएगा। मोदी जो अब आपको मैं बता दूं, आप अगर और पीछे चले जाइए तो इतिहास में लिखा हुआ है, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देव और दानव का युद्ध आपने सुना होगा। ये युद्ध आज से नहीं है, देव और दानवों का युद्ध लाखों वर्ष पहले से होता आ रहा है। या मोदी राक्षस है और हम लोग देव हैं, हम बूढ़े हैं, हम बिहार से आए हैं, हम दधीजी हैं। आपने दधीजी का नाम सुना जी? कभी देवों के लिए दधीजी अपने हड्डी का दान किया था, हम आज अपना हड्डी दान करने आए हैं इस किसान आंदोलन के वास्ते, और हमसे हमारे हड्डी से हथियार बनेगा। मोदी जाएगा, अन्याय मिटेगा, अन्यायी सरकार सदा सदा के लिए भागेगा। बार बार कह रहे हैं मोदी जाएगा, लेकिन 2022 के अंदर वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, 2024 में फिर दोबारा बता रहे हैं, उन्होंने खुद बोला कि 2024 के बाद मैं अभी और 5 साल रहूंगा। और आने वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ये बोलते हैं कि आगामी आने वाले चुनाव में मोदी जी इतना मजबूत हो रहे हैं कि चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मोदी जी की लहर ही काफी है। हाँ, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया जी। मोदी को कोई हिंदुस्तान में नहीं जानता था जी। वो गुजरात के कोने में पड़ा हुआ था जी। उसको कोई नहीं जानता था जी। गोधरा कांड में मोदी का नाम आया, समूचा हिंदुस्तान मोदी को जाना। मोदी क्यों है, मोदी क्यों आया, और मोदी क्यों कहता, आप कहते हैं कि रहेगा, इसका अगर आप मीडिया बोलती है मैं आपके व्यक्तिगत में आप पर नहीं कह रहा हूँ, तो इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण इस देश का जो विपक्षी पार्टी है वह है। विपक्षी पार्टी अपने राजनीतिक दल को व्यक्तिगत संपत्ति समझ करके वो अपने पारिवारिक पार्टी के रूप में लेकर देश के जो लूटने का काम किया, घोटाले पर घोटाला हुआ, उसके कारण यह मोदी आया। अगर घोटाला नहीं होता, अगर लालू परिवार, मुलायम परिवार, किसानों के आंदोलनों को लगभग आज 2-2.5 महीने हो गए हैं, 17 दिन से ज्यादा यहाँ पर भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हो गए, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन 2-2.5 महीने नहीं, 2-2.5 वर्ष चलेगा, 2-2.5 सदी चलेगा। अन्याय जब तक रहेगी, जब तक अन्याय ही रहेगा, आंदोलन तब तक चलेगा, चलता रहेगा, चलता आया है जी। धन्यवाद। धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।